देखिए, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एनडीए को कमजोर करने का काम किया था। हम किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर उनको एनडीए का पार्ट बनाया जाता है तो एनडीए का विरोध क्यों करते हैं? और जाहिर सी बात है कि जब एनडीए का विरोध करेंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बजट सत्र से पहले कल दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक हुई, लेकिन एनडीए की बैठक में जब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को आमंत्रण मिला, उससे बिहार एनडीए में खलबली मच गई। बिहार एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने साफ तौर पर इसका विरोध किया और कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो आगे ये पार्टी तय करेगी कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है। इसके बाद आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर इसका विरोध किया और कहा कि जब कल चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, इसका मतलब साफ है कि उनको आमंत्रण दिया ही नहीं गया था और वो एनडीए में शामिल भी नहीं है। इसको लेकर जब हमने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग जदयू का, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का व्यक्तिगत तौर पर विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी ने जदयू के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतरे थे, उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। यही वजह है कि उनके खिलाफ एनडीए में लोग हैं और ना ही वो एनडीए में शामिल होने लायक हैं। साथ ही जब हमने तेजस्वी यादव के मानव श्रृंखला को लेकर भी बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव खुद भी जानते हैं कि वो किसानों के कितने हितैषी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार, वो और उनके पिताजी का कार्यकाल था, वो किसानों के लिए कितना कारगर थे। छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। संतोष सुमन जी हैं सर, जिस प्रकार से कल एलजेपी की एनडीए की बैठक में एलजेपी को भी आमंत्रित किया गया था, आप लोगों को विरोध करें लगातार उसमें? देखिए, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एनडीए को कमजोर करने का काम किया था। हम किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर उनको एनडीए का पार्ट बनाया जाता है तो एनडीए का विरोध क्यों करते हैं? और जाहिर सी बात है कि जब एनडीए का विरोध करेंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। एनडीए में उनको नहीं रहना चाहिए, उनको अकेले चुनाव लड़ करके बिहार में दिखाना चाहिए कि हम बहुत बड़े नेता हैं। उनके तरफ से कहा जा रहा है स्वास्थ्य कारणों की वजह से बैठक में शामिल नहीं हुए, वो अलग बात है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जग जाहिर है कि भाई हाँ, उनको एनडीए में नहीं बुलाया गया था। तेजस्वी यादव भी लगातार किसान कृषि बिल के विरोध में मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी एक ढोंग कर रहे हैं, किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके शासनकाल में जंगल राज जिसको कहा जाता है, गरीबों पर अत्याचार किया गया था, लोग पलायन कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, बहुत सारी छोटी मोटी जो उद्योग थे, छोटे छोटे कारखाने थे, वो भी छोड़ के चले गए थे, और जहाँ के पूरा राज्य वहाँ जाने से डरता था, जंगल राज का नाम दिया गया था, ऐसे लोग किसानों के हितैषी बनकर ढोंग ही कर रहे हैं। कृषि बिल पर नीतीश कुमार की चुप्पी पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, चुप्पी कुछ नहीं है, हम लोग केंद्र सरकार पर विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। हम जान रहे हैं कि सरकार अच्छा ही करेगी किसानों के लिए और बातचीत से जो भी हो मसला होगा सॉल्व कर दिया। आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से बिहार में सुशासन की लगातार बिगड़ती जा रही है, उस पर क्या आप लोग? कोई हालत नहीं बिगड़ रही है, पूरी तरह से यहाँ शांति है और छिटपुट घटनाएं होती रहती है, उसको भी हम लोग काबू पा लेंगे। तो ये थे हमारे साथ संतोष सुमन जी, जिनका साफ तौर पे कह रहा है कि एलजेपी जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के खिलाफ लड़ी थी, माहौल बनाई थी, उसको लेकर लगातार हम पार्टी भी उसका विरोध करें। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।